हेलो स्टूडेंट्स, तो आपको पता है जैसे कि आईबीपीएस आरआरबी का एग्ज़ाम 12 और 13 दो दिन यानी सैटरडे संडे को शेड्यूल्ड है ऑफिसर लेवल यानी स्केल वन का। तो इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस हैं और क्या क्या चेक पॉइंट्स हैं बच्चों, उस चीज़ को हमने एक वीडियो बनाने का सोचा ताकि बच्चों को सभी को एक बार चेकलिस्ट जो है इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट वो पता चल जाएगी क्या क्या लेके जाना है और क्या क्या चीज़ें नहीं लेके जानी है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहला आपको जैसे पता है बच्चों कि मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको एक अच्छा मास्क कैरी करना है। अगर वो N95 हो जाए तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज एक अच्छा मास्क जो होगा जो पूरा फेस कवर करे तो वो मास्क आपको जरूर लेके ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां वो कंपलसरी है मास्क। सेकंड चीज है बच्चों सैनिटाइजर, 50 ml की एक छोटी बॉटल सैनिटाइजर की, ये कंपलसरी है बच्चों वहां एग्जामिनेशन सेंटर में लेके जाना। तो ये पहली और दूसरी दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आपको पता है जैसे कोविड चला है तो उसके दौरान बच्चों इन दोनों चीजों का इस्तेमाल बहुत जरूरी है वहां पर। ठीक है, तो अपनी सुरक्षा के लिए वैसे भी और सभी स्टूडेंट्स की वहां पर सेफ्टी के लिए बच्चों ये स्टेप लिए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो दोनों चीजें आपने कैरी करनी है साथ में। ठीक है, और वाटर बॉटल, एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल बच्चों आपको कैरी करनी है जो कि वहां पर आप कोई और पानी का कोई और सुविधा नहीं मिलेगी तो अपनी अपनी वाटर बॉटल लेके जानी है और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए बच्चों को। ठीक है, इट शुड नॉट बी ओपेक, इट शुड बी अ ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। ठीक है, ओके। आगे बच्चों पेन और पेंसिल और इरेजर आप अपना कैरी करेंगे, पेन भी पेंसिल भी और इरेजर भी। ठीक है, और उसके बाद एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है बच्चों, उस पर जो पिक है जो फोटो है बच्चों जो पिक्चर है बच्चों वो वही होनी चाहिए जो आपकी फॉर्म के ऊपर आपने लगाकर जो आपने एडमिशन फॉर्म भरा था तो आपने जो पिक लगाई थी वो पिक यहां पर भी सेम होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, ओके। सिक्स वाला है बच्चों ओरिजिनल आईडी कार्ड आपको लेके जाना है, जो भी ओरिजिनल आईडी कार्ड जो भी आईडी कार्ड्स स्पेसिफिक बताए गए हैं, इसमें राशन कार्ड नहीं चलेगा ध्यान रखना। सो बाकी जो आधार कार्ड है और बहुत सारे तीन चार उन्होंने फॉर्मेट्स दिए हैं कि जिसमें आधार का आईडी कार्ड जो कंसिडर होगा तो वो आपने लेके जाना है और उसकी फोटोकॉपी लेके जानी जो आपकी आपने साइन करके वहां पर सबमिट करनी है बच्चों। साइन भी करनी है और अपना रोल नंबर भी लिखना है इसके ऊपर। ठीक है, ओके। आरोग्य सेतु ऐप जो आपको पता है एक कोविड के दौरान ये ऐप है मोबाइल स्मार्टफोन्स में, तो ये आपने लेके जानी है मोबाइल फोन के ऊपर डाउनलोड करके। ठीक है, और ये जब वहां पर चेकिंग होगी बच्चों तो आरोग्य सेतु ऐप वहां पर चेक करेंगे और फिर उसके बाद स्मार्टफोन को स्विच ऑफ करके वहां पर आपको डिपॉजिट करना है। ठीक है, जब आप आते आते हुए जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो आप अपना फोन कलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आरोग्य सेतु ऐप है या फिर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जो कि आप जब रोल नंबर डाउनलोड करेंगे बच्चों तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपका वहां पर इसमें प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और उसको आपने फिल करके वहां पर सबमिट करना है। ठीक है, ओके। तो ये सेवेंथ चेकलिस्ट है। एट चेकलिस्ट बच्चों आपने ध्यान रखना है कि कोई भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होनी चाहिए, जैसे कि पेन ड्राइव्स और ब्लूटूथ डिवाइसेस और रिस्ट वॉचेस भी बच्चों अलाउड नहीं है वहां पर, और काफी सारी चीजें अलाउड नहीं है वो आपको एडमिट कार्ड में पता चलेगा, जैसे हेयर पिन हो गया या हैंडबैग हो गया और कोई भी चीज अलाउड नहीं है बच्चों। ठीक है, तो ये चीजें आपने नहीं लेके जानी है और ये चीजों को ध्यान रखते हुए बच्चों आपने हाफ एन आवर वन आवर जल्दी पहुंचना है अपने सेंटर में, जो भी आपका टाइमिंग बताया होगा वहां पर, जो भी आपका ब्रांच सेंटर होगा वहां पर आपने आधा घंटा कम से कम आधा घंटा पहले या एक घंटा पहले पहुंच जाना है ताकि आप लेट ना हो जाएं एग्जाम के लिए और बी ऑन टाइम, और जो सेंटर जहां पर बना है वो एक बार ठीक से देख लेना पहले कि कितना टाइम लगेगा पहुंचने में। तो वेन्यू और टाइमिंग बच्चों बिल्कुल ध्यान से देख के जाना और वहां पर पूरे टाइम पे आप पहुंचना ताकि ऐसा ना हो कि बच्चों थोड़ा अगर टाइम पे थोड़ा लेट ना हो कोई भी, और पूरे टाइम से बल्कि आधा घंटा एक घंटा पहले ही आप वहां पर पहुंचिए। ठीक है, तो इन चीजों का सबका ध्यान रखिए और अच्छे से एग्जामिनेशन को कीजिए। अदरवाइज देखो अगर ये चीजें कहीं कहीं पर भी फॉल्टर होती हैं तो थोड़ा अननेसेसरी प्रेशर हो जाता है वैसे बिना बात का, तो इसलिए सारी चीजों को फॉलो करके बच्चों एक पूरा चेकलिस्ट तैयार करके आप अपना जाइए और अच्छे से पेपर में अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।